बोलो परम पूज्य शंकरदेव भगवान की जय। वंदनीय माता जी की जय। तिरुपति गुरुदेव की जय। सुदर्शन की जय। दशम सार परिवार की जय। बोलो हर हर महादेव। आज हमारे प्रियतम शंकरदेव स्वामी शिष्य जी डॉक्टर नारायण सम्मान जी का जन्मोत्सव है। आज हिमालय की कंदराओं में जिन्होंने हिमालय की कंदराओं को 18 बार मानसरोवर तक भी तपस्या के माध्यम से अपने पाप के लिए रुंधा था, ऐसे महान सद्गुरुदेव ने सिद्ध पुरुष योगी पुरुष सिद्धाश्रम के संचालक परम पूज्य दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद सद्गुरुदेव जी के शिष्य ऐसे सद्गुरुदेव जी का आज हम जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। विशेष की विशेषता मैंने पहले भी बनाई, लेकिन आज लोग और वो लोग आए हैं, फिर भी उसके बारे में बताते होंगे। मुक्तिनाथ ये है, तुम्हारे कुल देवता का कभी योग हो गया, तुमने कुल देवता की पूजा ना की, तुम्हारे कुल देवता तुम्हारे वंश ना बढ़ रहा हो, तुम्हारे वंशों के बच्चों को अगर उनमें कोई बीमारी हो किसी प्रकार, एक मुक्तिनाथ ऐसा है कि सारी चीजों से मुक्ति दिला सकता है। यहाँ पाप कुंड और पुण्य कुंड का यह है कि मुक्तिनाथ कहते हैं तुम जो भी करके आए हो यहाँ पाप कुंड में छोड़ दो और यहाँ से पुण्य लेकर जाओ। ऐसे हमने जहाँ कल नहाया है, कल जो स्नान किया है, जो लोगों ने नहीं किया है या किया है, ये सब लोग यहाँ की विशेषता लेकर जब प्रलय हो जाता है तो महाविष्णु यहाँ प्रलय काल के आखिरी दिनों में यहाँ रहते हैं, सप्तर्षिगण यहाँ आकर उस विष्णु की आराधना करते हैं और उसके बाद फिर प्रलय फिर सृष्टि का कार्य महाविष्णु से ब्रह्मा आकर अपनी सृष्टि का कार्य करते हैं। सप्तर्षि जो मानस पुत्र है उन सप्तर्षियों के हम सारे लोग उन्हीं गोत्र के पैदा हो, चाहे पृथ्वी पर कोई भी हो, कितने भी लोग हों, अगर यहाँ आकर जो मुक्तिनाथ में दर्शन लेता है और भगवान विष्णु की प्रार्थना करता है, भगवान विष्णु का दर्शन लेता है, तो कहते हैं कि उसके 7 पीढ़ियों तक भी उसके कुलदेवता का दोष चले जाता है। कुलदेवता का दोष जाना इसका मतलब है अपने विवाह के बंधन में अपने बच्चों का अपने से बिछड़ जाना, विवाह टूट जाना, पति पत्नी का दूर रहना, गृहस्थ सुख नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ कुलदेवता की पूजा से मुक्तिनाथ मुक्ति प्रदान करते हैं उन दोषों से और हमें उस कुलदेवता की कृपा प्राप्त होती है। आज हम यहाँ जो कर रहे हैं स्वामी विश्वेश्वर जी भी यहाँ बहुत दिनों तक नारायण पर्वत पर रहकर उन्होंने गुरुषि सिद्धि अपने शिष्यों को बताई थी, उन्होंने भी जन्मदिन मनाया था, आज उसी को दृष्टि में रखकर यहाँ मैं जन्मदिन मना रहा हूँ। हम सब लोग हमारे गुरुदेव को मनपूर्वक यहाँ आज की हमारी परंपरा नहीं है, फिर भी हम शिरा का केक जो स्वीट का बनाकर गुरु जी का जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी लोग अपने हाथों पर पुष्प लेकर गुरु जी पर पुष्प वर्षा करेंगे, गुरु मंत्र का नाम बोलते हुए गुरु जी का जय जयकार करते हुए 1-5 मिनट तक गुरु जी के निग्रह पर पुष्पों की वर्षा करेंगे। उसके बाद आज की विशेषता तो बता ही रहा हूँ कि आज के दिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने यहाँ जन्मदिन मनाया था, यहाँ का अन्न खाना, यहाँ का अन्नदान करना, यहाँ का एक माला जप के 1 लाख के बराबर है, यहाँ किया हुआ एक कारण एक कोई भी आप सिद्धि प्रदान करते हो, सिद्धि की बात करते हो या किसी सिद्ध सत्पुरुष को देखना हमारे जीवन के सिद्धाश्रम के योगियों को देखने के बराबर है। तो आज हम पूर्ण मनो और भावना के साथ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को अपने मन में स्मरण करते हुए, प्रभु आज तक हमारे जीवन में 3-4 दोष माने जाते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या दोष है, जैसे गुरु के प्रति अपना दोष है, कभी कभी गुरु को गाली दे देते हैं, गुरु को कुछ भी बोल देते हैं, हमारा काम नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं, ये सारे दोषों का निवारण मुक्ति धाम में उससे हम मुक्त हो जाते हैं। अपना काम नहीं हुआ तो हम गुरु पर नाराज होते हैं, हमारे बहुत सारे दोष है, अपने माता पिता पर नाराज होना, अपने बड़ों पर नाराज होना, ऋषि गुरु पर नाराज होना, अपने पितर अपने अपनी बात नहीं सुनना, ये सारी इन भावनाओं से मुक्ति गिरा दो, ऐसा उसके नाश्ते से करता है। हमारे मुक्तिनाथ तो स्वामी विश्वेश्वरानंद नाथ ही है, हम उनसे ही आज प्रार्थना करेंगे कि हमारे इन दोषों से मुक्ति दिलवा दो और मुक्ति दिलवाते हुए हम एक बार सतीश को कहता हूँ कि बर्थडे का आज गाना बोलते हैं, आप सभी लोग पूर्ण भक्ति और भावना के साथ गुरु जी पर आज पुष्प वर्षा यहाँ करेंगे, तो सिद्धाश्रम में जहाँ भी आज गुरु जी का जन्मदिन मना रहा हो ये पुष्प वर्षा वहाँ भी पुष्प वर्षा होगी। आज आप सब लोग हम पूर्ण भक्ति और भाव से गुरु जी का जय जयकार करते हुए आपकी मनोकामना कोई भी मनोकामना हो वो बोलते हुए आप गुरु जी पर पुष्प वर्षा करेंगे, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मैं गुरु जी का प्रसाद आपको भी इसके बाद दूंगा। एक बात इन सभी बातों को होते हुए भी हमारी व्यावहारिकता है, व्यावहारिकता में क्या है कि हमें यहाँ 2 बजे यहाँ से निकलना है, खाना खा लेना है,
यार लगना कि हैदराबाद से आए पूरा गलीज करके चले गए, पूरा करके यहाँ पुलिस वाले भी यहाँ के कह के गए कि हैदराबाद से आए पूरा गलीज करके चले गए। ऐसा पूरा शुक्र करके जाना है और सब प्रसाद ग्रहण करना है और प्रसाद ग्रहण करके 2 बजे तक अपने अपने गाड़ियों में जाना है। गाड़ियाँ यहाँ नहीं आ रही, आपका पैकेज करके आपकी जो जो गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी में चले जाना है। हमें इसके बाद सीधा पोखरा उतरना है, तो जो बस से आए हैं वो लोग और जो फ्लाइट से आए हैं वो लोग 2 बजे यहाँ से निकलना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं इसके बाद पहले गुरुजनों इसका गाना होगा, उसके बाद हम केक कटेंगे और सब लोग पुष्पवर्षा करेंगे। उसके बाद आज का यहाँ का विशेष मंत्र बोलूँगा जो दश महाविद्याओं के साथ साथ अप्सरा यक्ष गंधर्व वृंदा सभी सिद्धियों को एक ही मंत्र से सिद्ध कर सकते हैं। जो भी ये लोग यहाँ इस मंत्र का एक माला मंत्र जप करके निकलते हैं उनको उन सारी सिद्धियाँ उनके पीछे आती है। ऐसा मंत्र केक कट करने के बाद भी Today we are celebrating our brave Sarjudev Dr. Nandi Singh Maharaj. So I am, everybody I am requested just be happily you come and shower the flowers on the body, the saying that happy birthday to you.